नमस्कार, मैं निकिता शुक्ला। शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को लगाई फटकार। पूछा, घटनास्थल पर हजारों की भीड़ में अब तक सिर्फ 23 ही चश्मदीद गवाह क्यों मिले हैं? आगे सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि गवाहों के बयान तेजी से दर्ज किए जाएं और अब इस मामले में सुनवाई 8 नवंबर को होगी। एनसीबी नेता नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वानखड़े ने नकली बर्थ और कास्ट सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी पाई। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने गोवा की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गोवा में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, प्रधानमंत्री को वहां भी ध्यान देना चाहिए। मलिक गोवा के भी राज्यपाल रह चुके हैं। अमेठी में नारी शक्ति मिशन के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। खबर अमेठी जनपद के तहसील तिलोई के कस्बा जायस से है, जहां सोमवार को पंकज मंत्री स्मृति महाविद्यालय नंदग्राम पंचायत के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में नारी शक्ति मिशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कोविड-19 से सुरक्षा एवं बचाव के प्रति जन जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए और घोषणा की है कि दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता को अयोध्या तीर्थ की यात्रा फ्री में कराएगी। मध्य प्रदेश में एक महिला नेता के कथित दुष्कर्म के मामले में उज्जैन जिले के कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के फरार बेटे करण मोरवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शादी का झांसा देकर महिला नेता से दुष्कर्म करने का आरोप है। सत्यपाल मलिक बोले, 300 करोड़ रिश्वत के मामले में आरएसएस का नाम लेने पर माफी चाहता हूं। किसान आंदोलन का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर मामूली असर पड़ेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है। भारतीय किसान संघ किसानों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से मिले। बारिश और ओले गिरने से किसानों की धान की फसल बर्बाद हो गई है, फसलों के लिए मुआवजा की मांग कर रहे हैं किसान। कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में महासचिवों, राज्य प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के साथ की बैठक। बैठक के दौरान अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर किया हमला। पार्टी मीटिंग में कहा कि हमें लोगों के सामने बीजेपी के झूठों का करना होगा पर्दाफाश। मंदसौर जिले में पुलिस की लगातार सक्रियता के बावजूद अपराधी अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। दिन के समय दीपक और मिट्टी के सामान बेचने वाली महिला से लूट की घटना सामने आई है। ग्राहक बनकर आए दो युवक महिला व्यापारी से सामानों के लेन देन के बहाने मोबाइल और 400 रुपए छीनकर भाग गए। अवैध असलाह और चाकू के नोक पर दबंगों ने दलित महिला के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म। एक महीने बीतने के बाद भी शिवरतनगंज पुलिस ने नहीं दर्ज किया आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा। 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन को आज 11 महीने पूरे हो गए हैं। इस मौके पर देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी है। आज किसान राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर एक बड़ा हमला बोलते हुए सरकार की तुलना किम जोंग की सरकार से कर दी। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुआ 67वां राष्ट्र फिल्म पुरस्कार समारोह। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दिया पुरस्कार। रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं कंगना रनौत, मनोज वाजपेयी और धनुष को उनके अभिनय के लिए राष्ट्र फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी हुए परेशान। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से भारत को मिली हार के बाद से शमी को सोशल मीडिया पर गद्दार और पाकिस्तानी बोलकर किया गया था ट्रोल। कोच ने दी अगले मैच पर फोकस करने की सलाह, कहा यही लोग बाद में करेंगे तारीफ। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए समय भारत 24x7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।